नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जारी प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर कई मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया गया है। डीएमआरसी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। जामिया मिलिया, जसोला, शाहीन बाग, मुनरका, लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, विश्वविद्यालय, पटेल चौक, लोक कल्याण मार्ग, उद्योग भवन, आईटीओ और बंद किए गए हैं। डीएमआरसी ने जानकारी दी है कि इन मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी भी नहीं। तो मुनरका, लाल किला, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देशव्यापी धरना प्रदर्शन बुलाया गया, देशव्यापी बंद है और इस बंद का किस तरह से असर देखने को मिल रहा है वो आपको हम बता रहे हैं दो तस्वीरों के जरिए भी। और मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया गया है। 14 मेट्रो स्टेशन है जिन्हें बंद रखा गया है एहतियात के तौर पर। तो नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो लगातार लेफ्ट का जारी है। लेफ्ट पार्टियों ने देशव्यापी बंद बुलाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली में भी कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। बेंगलुरु, यूपी के कई हिस्सों में धारा 144। फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाल किला पर धारा 144 लगाने के बावजूद भी देशव्यापी हड़ताल का बंद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। लाल किला इलाके में भी धारा 144 है, आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो किस तरह से पुलिस मुस्तैद है और दोबारा दिल्ली ना झूलसे, दिल्ली में ये हिंसक प्रदर्शन ना फैले, इसको लेकर कोई कोताही दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं बरती जा रही। न सिर्फ दिल्ली बल्कि हैदराबाद, यूपी, तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है क्योंकि देश भर से यही विरोध के जो सुर हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। दो तस्वीरें ताजा तरीन तस्वीरें हैं। तो देशव्यापी बंद का क्या असर है, सीएए के खिलाफ किस तरह से आवाज को बुलंद किया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद तो दूसरी तरफ जो सीएए के खिलाफ खड़े हैं वो पुलिस के लिए चुनौती भी साबित हो रहे हैं। जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश यहाँ पर हो रही है वहाँ मौजूद लोगों को। तो दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। डीएमआरसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है ताकि जो लोग वहां से निकलते हैं, जो इन मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, उनको जानकारी देते हुए बताया गया है कि ये जामिया मिलिया, जसोला, शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन बंद है। वहीं मुनरका, लाल किला, जामा मस्जिद, ये मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया गया है। पटेल चौक का और केंद्रीय सचिवालय, विश्वविद्यालय, तो ये भी स्टेशन बंद किए गए हैं। तो 14 स्टेशन जो हैं वो बंद किए गए हैं। अगर आप यहाँ से सफर करते हैं, इन मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो जरा संभल कर निकलिएगा क्योंकि यहाँ पर मेट्रो जो है वो रुकेगी भी नहीं। लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से गहमा गहमी माहौल गरमाया हुआ। और एक बार फिर से ये केरला की तस्वीरें, ये देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए पुलिस काबू करते हुए भारी पुलिस बल तैनात। तो आज का जो दिन है वो चुनौतीपूर्ण कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए क्योंकि लेफ्ट की तरफ से देशव्यापी बंद बुलाया गया है, प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी और उसका असर सुबह से ही देखने को मिला। जहां बिहार में कई दलों की तरफ से ट्रेन रोककर नाराजगी को जाहिर किया गया, तो वहीं अब दिल्ली तक जो है इस देशव्यापी बंद का ऐलान का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर जो विरोध है वो जाहिर किया जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले पूर्वोत्तर राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में हिंसक घटना हुई उसके बाद उसकी आग यूपी तक पहुंची और एक एक कर अब कहीं ना कहीं देश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं लेफ्ट पार्टियों की तरफ से भी देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया, जिसका असर हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो बेहद तनावपूर्ण माहौल इस वक्त जो है CAA को लेकर बना हुआ है। तो कई दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया। ये देखिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस, तो स्थिति को काबू किया जा सके और प्रदर्शनकारियों को काबू करते हुए ये पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। लेकिन हालात ना बिगड़े, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि आखिर प्रदर्शन की इजाजत तो है, लेकिन जब धारा 144 लागू है, जब देश का माहौल बिगड़ रहा है, तो इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत आकर क्यों है। तो आप ये देख सकते हैं पुलिस घसीटते हुए इनको काबू करते हुए प्रदर्शनकारियों को। तो माहौल नेगेटिव ना हो और खराब ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन हर जगह मुस्तैदी बरते हुए है। तो लाल किला इलाके में धारा 144 लागू की गई है, क्योंकि जिस तरह से हिंसक घटनाएं लगातार सामने आई और माहौल खराब हुआ, उसके चलते धारा 144। लेकिन धारा 144 का असर जो है वो नहीं दिख रहा है। उसके बावजूद भी जो वाम दल है बड़ी संख्या में लाल किला पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उधर से घूम के लाल किले के आसपास तो इस वक्त देश में CAA को लेकर किस तरह से उबाल है वो इन तीन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो हर तरफ से यही नजर आ रही हैं। और अब दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया गया है, तो देश भर में CAA को लेकर बवाल जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हिंसा भड़की उस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी होती हुई साफ तौर पर दिखाई दी। और नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ देश भर में लगातार प्रदर्शन जारी है और आज एक बार फिर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिख रही हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं इन तीन तस्वीरों के जरिए। तो लेफ्ट पार्टियों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका असर साफ तौर पर कई जगहों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए कई हिस्सों में धारा 144, तो उत्तर प्रदेश कर्नाटक के हिस्सों में बड़े प्रदर्शन की जो संभावना है वो जताई जा रही है।